नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो विषय है वो है मोटापा, और मोटापे के साथ साथ स्वास्थ्य और सौंदर्य कैसे नष्ट हो जाता है अगर हमारा मोटापा बढ़ जाए। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। जब हमारा मोटापा बढ़ जाता है तो हमारा स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, साथ साथ हमारा जो सौंदर्य है वो भी क्षीण होने लग जाता है। जब मोटापा बढ़ता है तो जो फैट है वो हमारे चेहरे पर सब जगह दिखाई देने लगता है, चेहरा चौड़ा हो जाता है, आँखें भी थोड़ी मोटी मोटी सी दिखाई देने लगती हैं, गाल फूल जाते हैं, और ठोड़ी भी जो है डबल चिन वाली हो जाती है, जिस कारण से चेहरा थोड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। और ये जो मोटापा है वो खाली चेहरे पर ही नहीं आता, कभी कभी तो शरीर पर भी मोटापा इतना भद्दे तरीके से आता है कि देखने में शरीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी जो मोटापा जैसे शरीर के बीच के हिस्से में ज़्यादा बढ़ जाता है, बाहें पतली हैं, पैर पतले हैं, तो उस समय में हमारी जो फिगर है वो बहुत ख़राब लगती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हम मोटापे को किस तरह से कम कर सकते हैं, या हमारी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमारे मोटापे को बढ़ाती हैं, और हम छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा, छोटी छोटी सूझबूझ के द्वारा अपने मोटापे को कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मोटापा बढ़ने की बात आती है तो सबसे पहले यही बात आती है कि आप डाइट में क्या लेते हैं, क्योंकि अक्सर यही माना जाता है कि डाइट ज़्यादा लेने की वजह से मोटापा बढ़ता है। लेकिन और भी बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो कई बार हमें पता ही नहीं होते, और हम वो छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हम रोज़ाना में रूटीन में करते रहते हैं और जिस कारण से मोटापा बढ़ता रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब मोटापा बढ़ता है तो उस वक्त जब हमें चिंता सताने लगती है तो हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट से ही शुरुआत कर लेते हैं और अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। तो जब हम ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से भी मोटापा बढ़ता है और चक्कर आने लगते हैं, वीकनेस फील होती है, चेहरे का ग्लो ख़त्म हो जाता है। तो हमें मोटापे को इस तरह कम करना चाहिए कि जो उसका बैड इफ़ेक्ट, जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे चेहरे पर दिखाई ना दे। कुछ लोगों को सुबह उठते ही बैड टी लेने की आदत होती है, जब तक चाय उनके सामने नहीं आएगी तब तक उनकी आँख नहीं खुलती। सुबह उठते ही चाय पीना ये बिल्कुल गलत है। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी पिएं या लेमन वाटर पिएं, जो भी आपको पसंद हो पहले पानी पिएं, उसके बाद एक कप चाय पी सकते हैं, और चाय की जगह हर्बल टी भी अगर आप पीते हैं या ग्रीन टी पीते हैं तो और भी ज़्यादा बेटर है। लेकिन आँख खुलते ही अगर आप चाय पीते हैं तो ये हमारे लिए नुकसान वाली होती है, इससे गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, और बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोटापा ना बढ़े, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सौंदर्य आपका बरकरार रहे, तो उसके लिए सुबह उठकर सबसे पहले हमें ताज़ी हवा में टहलना चाहिए। योगासन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक जो भी आप कर सकते हैं, कम से कम 45 मिनट से एक घंटा वो करना चाहिए। ये सब करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, चेहरे का ग्लो बढ़ता है, और मोटापा कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। मोटापा बढ़ने में और स्वास्थ्य के खराब होने में दवाइयों का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आजकल अधिकतर सभी की मेंटेलिटी ये हो गई है कि अगर जरा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए दवा खा लेते हैं, चाहे वो जुकाम ही क्यों ना हो। और जबकि जुकाम के लिए तो कहावत भी है कि अगर आप दवा खाते हैं तो 7 दिन में जाएगा, और अगर दवा नहीं खाते तो भी वो 7 दिन जुकाम जाने में लगते हैं, 1 सप्ताह लग जाता है। तो अगर हम छोटी मोटी बीमारियां हो जाएं, अगर जैसे सिर दर्द हो, जुकाम हो, बुखार हो, लूज मोशन हो, तो इन सब के लिए हमें जल्दी से दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो नेचर है, प्रकृति है, वो स्वयं चिकित्सक है। अगर हम दवाइयाँ नहीं भी खाएंगे तो 2-4 दिन में हम स्वयं ठीक हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति जो है, अभी मैंने बताया कि वो स्वयं चिकित्सक है, तो वो अंदर से हील भी करती है। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ जाती है, बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, या लूज मोशन 2-4 दिन में ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको दवाई लेनी चाहिए, अन्यथा बिना दवाई के ही काम चलाना चाहिए। क्योंकि जब हमें इस तरह की शिकायतें होती हैं, सिर दर्द, जुकाम, बुखार, तो ये इंडिकेशन होते हैं कि हमारे शरीर के अंदर फॉरेन मैटर जमा है,
और प्रकृति उनको बाहर निकालना चाहती है। तो जब प्रकृति उनको बाहर निकालती है तो हमें उसके काम में रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए और हमें वो निकलने देना चाहिए। तो 2-3 दिन में आप देखेंगे कि आप स्वयं ठीक हो जाएंगे, आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप दवाइयाँ खा लेते हैं तो जो बीमारी या जो प्रॉब्लम बाहर निकलना चाहती है वो हमारे शरीर में ही रुक जाती है, वो फिर किसी न किसी दूसरे रूप में शरीर से बाहर निकलती है, क्योंकि प्रकृति तो उसको निकालेगी ही। अगर आपने बुखार हुआ उसको रोक लिया तो फिर खांसी के रूप में निकालेगी, आपने खांसी को रोक लिया तो जुकाम के रूप में निकालेगी। तो प्रकृति का जो नियम है कि शरीर को गंदगी से बाहर निकालने का, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और अगर हम उसको रोक लेते हैं तो धीरे धीरे हमें असाध्य रोग होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, सौंदर्य बरकरार रखना है, तो हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि रात को हम जल्दी सो जाएं, भरपूर नींद लें। रात को अक्सर आजकल देर तक पढ़ाई करते हैं, टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, जबकि इन सब कामों को हम छोड़ भी सकते हैं, इन सब कामों को रोक भी सकते हैं, मोबाइल दिन में भी देख सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे मन में ये बात कहीं आती ही नहीं कि अगर हम देर रात तक जगेंगे तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ेगा। अगर आप अपना मोटापा ठीक रखना चाहते हैं, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं और सौंदर्य बढ़िया रखना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप टाइम से सोएं और सुबह जल्दी उठें, और अपना सुबह उठ करके जो सुबह के काम हैं उनको करें। देर तक सोने से शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है, कब्ज रहने लगता है, और जब कब्ज रहता है तो वो मोटापा भी बढ़ाता है और तरह तरह की बीमारियों को लेकर के आता है। अपने भोजन में एल्कलाइन फूड का कम इस्तेमाल करना और एसिडिक फूड का ज़्यादा प्रयोग करना, ये भी हमारे मोटापे को बढ़ाता है। क्योंकि एल्कलाइन फूड जब हम कम खाते हैं और एसिडिक फूड ज़्यादा खाते हैं तो मिर्च मसालों का उसमें ज़्यादा प्रयोग होता है, और ज़्यादा नमक और ज़्यादा मिर्च मसाले हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। मैंने पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने नमक के प्रयोग को कम करने के लिए कहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा नमक और मिर्च मसालों का हम प्रयोग करते हैं तो हमारा सलाइवा ज़्यादा निकलता है, और सलाइवा ज़्यादा निकलने की वजह से वो जल्दी से हज़म हो जाता है, और जब वो जल्दी हज़म होता है तो फिर हमें ज़्यादा भूख लगने लगती है और हम ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। इस तरह से हमारा मोटापा और बढ़ने लगता है। एक और विशेष कारण है जो हमारे मोटापा बढ़ने में सहायक होता है कि हम फूड की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते। रिफाइंड भोजन करते हैं, रिफाइंड चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, रिफाइंड तेल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, रिफाइंड चीनी, रिफाइंड मैदा, इन सब चीज़ों का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और इन सब चीज़ों को जब हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हमारा मोटापा बढ़ने लगता है और तरह तरह के रोग भी हमें घेरने लगते हैं, और उससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, और जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो हमारी सुंदरता नष्ट होने लगती है। आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें बहुत चेंज आ गया है। जो पुराना लाइफस्टाइल था उसमें और जो आज है उसमें बहुत ही बदलाव आ गया है। आज अधिकतर लोग होटल और रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं, तो घर में सादा भोजन खाने के बजाय बाहर जाते हैं। अगर बाहर नहीं जा पाते तो बाहर से मंगवा कर खाते हैं, या पैकेट बंद भोजन मंगवा कर खाते हैं, क्योंकि आजकल तो पूरी, पराठे, सब्जी, हर चीज़ मिल जाती है। सब्जियों के पैकेट भी मिलते हैं, बनी बनाई सब्जियों के मिलते हैं, सिर्फ उनको गर्म पानी में रखना है और आपकी सब्जी तैयार है। आसान तो है सब कुछ, सब्जी भी तैयार है, आप खा भी लेंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो चीज़ें आप खा रहे हैं इसमें कितने तो प्रिजर्वेटिव होंगे, ये ताज़ी बनी रहे इसके लिए, या ये ख़राब ना हो इसके लिए इसमें क्या क्या इन्होंने किया होगा। प्रोसेस फूड हैं ये सारे, ये सारी जितने भी खाना है, इस टाइप का जितना भी भोजन है, ये सब भोजन हमारे मोटापे को बढ़ाता है और जिस वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह के भोजन से दूर रहें और नेचर के करीब रहें। आज सब लोग जानते हैं कि अधिक चीनी का प्रयोग हार्मफुल होता है, लेकिन फिर भी जब मार्केट में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, या कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, या बच्चों को घुमाने के लिए बाहर ले जाते हैं, तो उस वक्त ये भूल जाते हैं कि जो हम ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या जो सिंथेटिक जूसेस वगैरह हम पी रहे हैं, इससे कितनी ज़्यादा चीनी हमारे अंदर जा रही है और ये हमारे लिए कितनी हार्मफुल है, क्योंकि इसके साथ हमारे बॉडी के अंदर कलर भी जाते हैं, प्रिजर्वेटिव भी जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होने के साथ साथ मोटापा बढ़ाते हैं। क्योंकि चीनी से जो बने खाद्य पदार्थ होते हैं
वो हमारे शरीर में कफ को पैदा करता है और जो कफ है वो हमारे मोटापे को बढ़ाता है। और इसके अलावा भी जब कफ शरीर के अंदर बढ़ता है तो मोटापे के साथ साथ और बहुत सारी बीमारियाँ जो कफ से रिलेटेड होती हैं वो बढ़ने लग जाती हैं, जैसे साइनोसाइटिस है, अस्थमा है, अधिकतर जुकाम की एलर्जी रहना, हमेशा कफ बने रहना, ये सब चीनी की देन है, और जो हम रिफाइंड फूड खाते हैं ये उनकी देन है। तो ये सारी चीज़ें, या मैदा खाते हैं तो ये सब जो कफ हमारे शरीर में बढ़ता है या जो वात बढ़ती है, जो पित्त बढ़ता है, वो सब इन्हीं का कारण है। तो अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने सुंदरता को बरकरार रखना है, तो हमें इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। तो मोटापे से बचने के लिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, सुंदरता को बरकरार रखने के लिए, हमें अपने भोजन में या अपने रोज़ाना के रूटीन में बहुत सारे चेंज करने पड़ेंगे, जिनका जिक्र मैं अभी आपसे करती आ रही हूँ। तो हमें अपने भोजन में विटामिन सी युक्त फल खाने चाहिए, सैलेड का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए ताकि आपको फाइबर मिलता रहे, पेट आपका साफ बना रहे। जब आपका पेट साफ रहेगा तो बीमारियों से भी आप दूर रहेंगे और सौंदर्य भी आपका बना रहेगा और इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा हमें अपने रूटीन में एक और चेंज करना चाहिए। जैसे हम बार बार कुछ ना कुछ दिन भर खाते रहते हैं तो उससे मोटापा बढ़ता है, क्योंकि दिन भर हमारा जो डाइजेशन है, जो हमारा लीवर है, वो 2400 घंटे एक तरीके से काम करता रहता है, उसको रेस्ट का टाइम ही नहीं मिलता। सिर्फ एक रात का टाइम है जो थोड़ा बहुत वो टाइम मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं मिलता आजकल, क्योंकि बच्चे रात को देर तक पढ़ते हैं और जब पढ़ते हैं तो बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, क्योंकि भूख भी लग जाती है, एक आदत सी भी बन जाती है कि बहुत देर हो गई पढ़ते हुए तो एक कप चाय पी ली जाए, बहुत देर हो गई है पढ़ते हुए आलस आ रहा है तो कप कॉफ़ी पी ली जाए या बिस्किट खा लिए जाए। तो जब हमारा ऐसा रूटीन रहता है तो इससे हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है, और जब हमारा पाचन ख़राब होता है तो फिर मोटापा बढ़ने लग जाता है। तो हमें अपने डाइजेशन को ठीक रखने के लिए समय का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हमें अपनी आदतों में चेंज लाना ज़रूरी है। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद एक कुछ टाइम इतना हमें बीच में गैप रखना चाहिए कि दूसरा भोजन जब हम तब करें जब हमारा पहला भोजन पच जाए या वो डाइजेस्ट हो जाए, जब पेट थोड़ा खाली हो जाए। अब हमारा पेट खाली नहीं हुआ, ऊपर से हमने दूसरा भोजन डाल दिया या कुछ भी डाल लिया, चाहे हमने चिप्स खा लिए, चाहे हमने चाय पी ली, चाहे हमने कुछ छोटी मोटी चीज़ खा ली, कुछ भी अगर हम खाते हैं तो हमारी जो पाचन क्रिया है, जो हमारी डाइजेशन की क्रिया है, वो पूरी तरह से स्टार्ट हो जाती है, जो उसका प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमारे डाइजेशन को कभी आराम नहीं मिलता, और जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ने लगता है। और जब हम भोजन करें तो हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भोजन को हम इतना ना खाएं, स्वाद के वशीभूत इतना ना खाएं कि हमें सांस लेना भी भारी पड़ जाए। कई बार ऐसा ही होता है कि जब भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है तो हम उसे ज़्यादा खा लेते हैं। तो जब हम भोजन करें तो हमें इतना भोजन करना चाहिए कि उसमें एक हिस्सा हवा के लिए और एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ना चाहिए, यानी कि हमें दो हिस्सा भोजन करना चाहिए, एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ना चाहिए और एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ना चाहिए। अगर हम इस तरह से भोजन करेंगे तो आपका डाइजेशन कभी भी ख़राब नहीं होगा, और ना ही आपका मोटापा बढ़ेगा, ना ही आपका स्वास्थ्य खराब होगा। तो हमें अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए समय का ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम हर काम अपना समय पर करें। हमें हर काम का एक समय बनाना चाहिए, सोने का समय हो, उठने का समय हो, खाने का समय हो, जागने का समय हो। अगर आप अपने समय पर ध्यान रखते हैं, हर चीज़ को समय पर करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मोटापा बढ़ जाए या आपका स्वास्थ्य खराब हो या किसी और तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़े। तो आप अपने रूटीन में जल्दी उठने का कार्यक्रम बनाएं, योगासन प्राणायाम रोज़ाना करें, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, जो भी आप कर सकते हैं जरूर जाएं। ताज़ी हवा में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ताज़ी हवा में जाते हैं तो ताज़ी हवा को हम इनहेल करते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाती है तो हमें बहुत सारी बीमारियों से वो दूर रखती है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, जिन सब बातों का मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कभी भी मोटापा नहीं बढ़ेगा,
चेहरे का ग्लो बना रहेगा, स्किन हमेशा चमकदार रहेगी, कोई रिंकल्स नहीं पड़ेंगे और आपको देखकर या आपकी स्किन को देखकर कोई अंदाज नहीं लगा सकेगा या आपकी फिजिक को देखकर ये कोई अंदाज नहीं लगा सकेगा कि आपकी उम्र क्या है, उसको आपसे पूछना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।